अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ फिट फाट होंगे, मजे में होंगे। एक नई सीरीज के साथ दोबारा हाजिर हूँ आपके पास। इस सीरीज में काज की उसकी पहली एपिसोड है और इसमें मैं इंशाल्लाह ऐसे टूल्स लेकर आऊँगा जो लोगों ने जिस पर वीडियोस बनाई हुई हैं, उन टूल्स को आप और मैं इकट्ठे देखेंगे और देखेंगे ये टूल्स हम एग्रीकल्चर के सेक्टर में यहाँ पाकिस्तान में इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें इनको इस्तेमाल करना चाहिए, बना सकते हैं। यहाँ लोकल हम फार्मर बहुत चीज़ें बना सकते हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें नहीं देखी हुई तो उनको देखना चाहिए ऐसे टूल्स को। और मैं और आप मिलकर ये टूल्स देखेंगे, उनकी वीडियोज़ देखेंगे। तो दूसरी विंडो में साथ में आप मेरे साथ वीडियो में कुछ वीडियोस देखेंगे जिसमें कुछ टूल्स चाइनीज़ ने और मुख्तलिफ लोगों ने बनाए हुए, तो टूल्स को देखते हैं और उस पर बात करते हैं कि टूल्स कैसे हैं और कैसे काम करते हैं, क्या हमें ऐसे टूल्स बनाने चाहिए कि नहीं। वीडियो में बंदे रहिए और टूल्स को देखिए और इन्जॉय कीजिए मेरे साथ। ये पहला टूल है जी, टूल क्या है जी, ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा तरीका कर रहे हैं, देखें ये एक ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो एक फार्मर कर सकता है अपने लिए। इसको देखें, ये छोटी सी मशीन है जिसके इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा तरीका, बहुत अच्छा, क्या बात, मुर्गियों के लिए वह क्या जबरदस्त चीज बनाई जी। ये छोटी छोटी चीजें थी जो फार्मर बना सकता है अपने लिए, इसमें कोई इतनी बड़ी हर्ज नहीं है। राइस प्लांटिंग मशीन है जी, देखिए ये कितनी प्यारी इन्होंने बनाई हुई है और ये हैंडमेड है, हाथ से काम करती है। राइस प्लांटर्स पाकिस्तान में बहुत सारे अच्छे अवेलेबल हैं और अब चाइना से बहुत सारी ऐसी चीजें आ रही हैं जो बनाई जा रही हैं पाकिस्तान में। छोटा सा वहीं की मशीन है जिससे आप गोड़ी कर सकते हैं। कितनी मुश्किल से गोड़ी कर रहे थे उसने, कल आया एक आसान काम से। पुलिंग मशीन है, पुलिंग मशीन से आप आराम से गोड़ी कर सकते हैं। एक टायर लगाया और एक साथ एक इसमें फर्टिलाइजर डाला होता है इन्होंने पीछे बैग में, ये औरतों ने पीछे बैग में शोल्डर में फर्टिलाइजर डाला होता है और जिस जहाँ इसको पुश करती है वहाँ इससे फर्टिलाइजर निकल के नीचे चला जाता है। ये अच्छी मशीन थी, ये देखिए ये गोड़ी के लिए कितनी जबरदस्त चीज है। हम गोड़ी कितने मुश्किल से करते हैं हमारे यहाँ, ये ऐसे टूल है, इसको यहाँ आप बड़े आसानी से बना भी सकते हैं, यहाँ लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं। ये मशीनें यहाँ मिल जाती हैं, बहुत आसानी से ये मशीन बनाई जा सकती है। छोटी सी इसके पीछे मोटर लगी हुई है, आगे इसके साथ जो है ना कटिंग के ग्रास कटिंग के मशीनों के साथ इसको सेट किया जा सकता है बड़े आसानी से। राइस का बेड बनाया जा रहा है, देखेंगे राइस के बेड को कितने अच्छे तरीके से लेवल किया जा रहा है, ये लेवलिंग हो रही है इसकी, राइस के बेड की। ये छोटी छोटी मशीन है, ये देखिए प्लांटर है, कितना प्यारा प्लांटर है, इसमें कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है, कोई इतनी बड़ी टेक्निक नहीं है, बहुत आसानी से इसे काम लिया जा सकता है, बहुत आसानी से बन सकता है। हमारे यहाँ इंजीनियर बड़े अच्छे में इंजीनियर डेस्क में मौजूद है, ये काम कर सकते हैं। ये भी प्लांटर है, सीडलिंग है जो नर्सरी है उसमें रखते जाते हैं और वो डालते जाते हैं। छलियां उतार रहा है जी, छलियां
चाइनीज बड़े एक्सपर्ट है जी, हर चीज बना लेते हैं। ये कुछ चीजें तो हम खुद बना सकते हैं, अभी देखिए इसमें क्या है। दीदी ये भी बॉडी करने के लिए, ये भी बॉडी के लिए, ये जी ले आज क्या इसमें क्या साइंस है यार, इतनी आसानी से। एक्सपर्ट बंदा हो तो ये चीजें बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है। छोटी सी बेलची लगाई हुई है साथ में और सुराख दी हुई है ऊपर से, जो बॉक्स है जो आराम से फर्टिलाइजर नीचे फेंक देता है, उसमें खाद फेंक सकते हो, बीज फेंक सकते हो। ये ग्लव्स, ये ग्लव्स तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं आप तो। ये मैं तो कहता हूँ ये फार्मर के पास होने चाहिए, स्पेशली भिंडी के फार्मर के पास, भिंडी के फार्मर को जो है ऐसी चीजों की जरूरत होती है। आज तक के लिए इतना ही काफी है जी, इंजॉय किए होंगे आपने इंशाल्लाह। नई एपिसोड में दोबारा इंशाल्लाह इस तरह की वीडियोस लेकर आऊँगा आप तक। और देखिए अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब आज भी करें। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, नए एपिसोड में दोबारा हाजिर होंगे इस तरह की। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।